बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं नवीद अली फ्रॉम यूएई, यूनुस भाई का दोस्त। और यूनुस भाई ने ब्लॉग का प्रोग्राम शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि मैं उनको अपनी तरफ से भी एक ब्लॉग को ख़त्म पेश करूं। तो ये गाड़ी है यूनुस भाई, जो अल्लाह ताला ने सवारी दी हुई है। और इंशाल्लाह अब मैं दुबई रवाना हो रहा हूँ अपने ब्रदर इन लॉ के पास। तो रास्ते में इंशाल्लाह वक्तन फ़ौरन आपको वीडियो भेजता रहूँगा। लेकिन ये माशाल्लाह हम मलयन से रवाना हो रहे हैं दुबई के लिए। और ये स्ट्रीट्स हैं मलयन के घर के करीब जो आप देख रहे हैं। और यहाँ जा देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद बाकी सफर कंटिन्यू करेंगे। यह हमारी उसी तरफ चाय को सादा चाय कहते हैं। ये चाय हमने ले ली है, यहाँ की कड़क चाय। इंशाल्लाह चाय पी के फिर रवाना होते हैं। ये एयरलाइन से कुछ फासले के ऊपर अधेर एक जगह है और काफ़ी ग्रीन है, ग्रीन के लिए फेमस है। काफ़ी हाइट के ऊपर है, डेजर्ट है, वैसे मुझे सब कुछ डेजर्ट के ऊपर ही है। ग्रीन ग्रीन ये अल्लाह का निज़ाम है। ये आप देख रहे हैं अधेर का ब्रिज में चढ़ रहा हूँ, ग्रीन से पूरा बहुत ही खूबसूरत शारा है। अप एंड डाउन डेजर्ट के दरमियान से बनाई गई है। पहले ऐसी कोई शारा यहाँ पे नहीं थी, कच्चा रास्ता था। जब शुरू में लोग आए हैं इमारात के अंदर, जब ये बड़ी मेहनत से सहरा के बीच में से रोड निकाली गई, ये देखिए ग्रीन सिटी है। पहले अक्सर औकात यहाँ पर बारिश हुआ करती थी, अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह का वेदर चेंज हो गया, इसलिए अब कम ही बारिश होगी। ये रास्ते में हमें हल्की हल्की बारिश भी मिल रही है, विंडो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे निशाना। सबसे एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है। सामने आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, पूरा डेजर्ट है दोनों तरफ में। ये पेट्रोल पंप है एलएन के बाहर, और यहाँ लेफ्ट पे एलएन जूस फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है। और ये है नॉक पेट्रोल पंप है जो एलएन के समझे बॉर्डर के शुरू में ही आता है। बॉर्डर जब ख़त्म होता है तो वैसे आते हुए ये पहला पेट्रोल पंप है। ये हम दुबई के करीब पहुँच चुके हैं, और एलएन दुबई हाईवे के लास्ट में ये मॉल आता है, आउटलेट मॉल का नाम है। बस सबसे कुछ ही देर के बाद दुबई शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये दुबई टेरिटरी में आता है, बट ये भी हाईवे हाईवे ख़त्म होते ही सिटी शुरू हो जाएगा दुबई थोड़ी देर में। इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं आपको। ये है जी इंटरनेशनल सिटी, और यहाँ पर चाइना की काफ़ी बड़ी मार्केट जिसे ड्रैगन मार्ट कहते हैं, वो भी
नहीं आ सकते, करीबी है इंटरनेशनल सिटी के दूसरे डिफरेंट पार्ट में, बट हमें इस वक्त वहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ से यू टर्न करके फ्रांस क्लस्टर की तरफ जाना है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं फ्रांस क्लस्टर में। ये फ्रांस क्लस्टर है, हमको सामने ही जाना है, भाई हाथ हिला रहे हैं सामने से, तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद बात करते हैं। ये पर्शिया क्लस्टर है, पर्शिया के तर्ज पे हमने बनाया हुआ है, और ये यहाँ की मार्केट है छोटी सी इंटरनेशनल, सामने आपको पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा। ये हम इंटरनेशनल सिटी में आ गए, और इंटरनेशनल सिटी इसलिए कहा जाता है कि इसमें हर कंट्री के हिसाब से क्लस्टर बनाए गए थे, और उस क्लस्टर को उसी मुल्क के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। जैसे इंग्लैंड है और चाइना है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम दे के क्लस्टर बनाए, और वहाँ के तर्ज के ही वो बिल्डिंगें बनाई गई हैं। पर्शिया है, हम जिस क्लस्टर में जा रहे हैं वो फ्रांस है। ये हम शेख जायद रोड पर चढ़ गए हैं, और सुना कि दुबई में मशहूर शाहरा है शेख जायद। यही रोड सीधा शारजा भी जाती है, बट हमें शारजा नहीं जाना, हमें इंटरनेशनल सिटी जाना है, लिहाजा हम यहाँ से आगे से राइट ले लेंगे। ये हम मिर्दीफ मॉल में आए हुए हैं दुबई में, और ये आप देख रहे हैं मिर्दीफ मॉल दुबई, जो शेख जायद रोड के ऊपर है। यहाँ हमें कोई शूज़ लेने थे, शूज़ लेने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की खाड़ी ब्रांड की आउटलेट है। और ये है निशात लैंड, पाकिस्तान का ब्रांड है ये भी। हम दूसरी शॉप में आ गए हैं शू एक्सप्रेस के नाम से, पहली दुकान में शूज़ नहीं मिला। विदाउट लेस सर, नमाज का टाइम हो गया है, शूज़ नहीं मिले हैं, नमाज पढ़ने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। ये हम के लेस शूज़ की शॉप है, आए हैं शूज़ देखने के लिए। किस तरह से घूमते हैं, लेडीज है, बच्चों के शूज़ हैं। फ्लैश भी है इसमें, और डेविका भी है। सेंटर पॉइंट कहलाता है ये, इसमें बहुत सारे आउटलेट हैं। शूज़ की तलाश जा रही है, रेस्टोरेंट बने हुए हैं खाने पीने के लिए, लोग बैठे हैं। फूड कोर्ट बकायदा ऊपर बना हुआ है, बट ये कुछ रेस्टोरेंट के लिए बना हुआ है। लीटो
ये है जी बास्किन रॉबिन। बास्किन रॉबिन पे रश लगा है, खाने वाले हर जगह माशाल्लाह मौजूद होते हैं। और ये हम जा रहे हैं कारपोर, शूज़ हमें यहाँ भी नहीं मिले जहाँ सेंटर पॉइंट। तो अभी कारपोर के अंदर माशाल्लाह जाते हैं। साथ हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन ऑफर है, वॉशिंग मशीन लेनी है इनको।